कि जबकि वायदा है कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर ही बलिहार जाएंगे, एक आपकी ही सुनेंगे, एक आपकी ही मत पर अर्थात श्रीमत पर चलेंगे। बाबा की श्रीमत का पालन करना ही हर एक बच्चे का कर्तव्य जिम्मेवारी है। और हमने बाबा से वायदा भी किया है कि आप जो कहेंगे वो करेंगे, आप जो सुनाएंगे वही सुनेंगे, आप जहां बिठाएंगे वही बैठेंगे, आप जो खिलाएंगे वही खाएंगे, जो पहनाएंगे वही पहनाएंगे। तो बाबा कहते कोई भी बात में क्यों क्या ऐसे वैसे यह शब्द बुद्धि में आ नहीं सकते, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे में ही कमी क्यों, मेरे पास ही कमी क्यों, मेरे को ये चीज क्यों नहीं मिली, उसको ही क्यों मिली। तो बाबा कहते श्रीमत में ये शब्द आना, ये बातें आना, ये भी श्रीमत की अवहेलना हो जाती है, जबकि वायदा है कि बाबा जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, हम उसमें खुश रहेंगे, रहेंगे खुश। बाबा हम बच्चों पर अपना प्यार भी लुटाते हैं, बाबा सदैव बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, सदा ऊंची दृष्टि से बच्चों को देखते हैं। तो आज हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 8 नवंबर है, मुरली का सार है, शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं, तुम बाप और वर्षे को याद करो, मीठे बच्चे तेरे सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं, तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे
सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। श्रीमद के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमद पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमद में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत है बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम दे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम।